आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से बेहतर चलते हुए नजर नहीं आ रहा है? आप एक बात मुझे बताइए कि जो नेता और मंत्री और सांसद हो चाहे फिर वो बाबा हो, उनको सरकार उठाकर जेल में क्यों नहीं बंद करती? ये देश के संविधान की सरासर तौहीन है। आप देश के संविधान का, भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। भारत देश का संविधान भारत देश के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी उनको मौलिक अधिकार प्रदान कराने का काम करता है। भारत देश के संविधान में हर एक व्यक्ति को उसके समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या हिंदू राष्ट्र में ये देश संविधान रहेगा या नहीं रहेगा? ये बताइए ना आप मुझे, क्या इस देश के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे? जब आप ये सोचिए कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसके बावजूद एक महिला अगर टंकी से पानी पी लेती है तो उस टंकी को गौमूत्र से धो दिया जाता है, एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है तो उस बच्चे को मार दिया जाता है, एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अरे इनका लेवल क्या है, इनकी औकात क्या है, पूरा देश जानता है। ये सिर्फ इस देश के अंदर लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं और अब इन्होंने एक नई चीज ढूंढ ली है और स्वर्ण और दलितों को लड़ाने का। हमें कभी जब हम स्कूल में जाते थे हमें कभी नहीं पता था कि कौन स्वर्ण है और कौन दलित है। मैं कभी नहीं जानता था कि मेरी जाति क्या है, मैं किस धर्म में, किस रिलीजन में, किस जाति, किस धर्म में पैदा हूं, मेरे को नहीं पता था। हम मेरी माताश्री जब घर से खाना बना के भेजती थी तो जब मेरे जो टिफिन में खाना रहता था उसमें चार रोटी रहती थी तो हमें ये नहीं पता था कि खाने वाला आमिर है, अमन है, नवीन है या कौन है, हमें नहीं पता था। हमारे लिए सब रिलीजन एक समान थे, हमने कभी लोगों का जाति धर्म रिलीजन जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का पेट अब भर चुका है हिंदू मुसलमान करने से, क्योंकि उन्हें दिखना था, दिख गया है कि भैया हिंदू मुसलमान करने से जितना वोट मिलना था मिल गया। अब इनको ये दिखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो बहुजनों का है, ठीक है ना, जिनको ये लोग अभी देश के अंदर हिंदू भी नहीं मानते। सोचिए आप एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अभी हाथरस में एक बेटी जल गई, कौन बोला था जरा बताइए ना? बाबा जी की सरकार थी, क्या बाबा जी बोले? ब्राह्मण के परिवार में आग लग गई तो बोले बाबा जी? ये बताइए ना आप मुझे, ये इस देश के अंदर स्वर्णों को और दलितों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग बड़े समझदार हैं। अब इस देश के लोग हथियारों की नहीं कलम की बात करते हैं। दूसरी बात ये कि ये इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। आप जनता को पागल बनाते हैं क्या, है गधा समझ रखा है अपने देश की जनता को? इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू बना फिर रहा है क्या? हिंदू है ही भाई, गृह मंत्री हिंदू है, बता रहा हूँ आपको, गृह मंत्री हिंदू है भाई साहब, बड़े बड़े नेता, मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सारे लोग हिंदू हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, किसका इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? शास्त्री ने तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा दे दिया, धीरेन्द्र शास्त्री ने। अरे धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर पढ़ा होता तो संविधान की परिभाषा देता, पढ़ा नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा दे रहा है। भारत के लिए भी है, भारत को मिलाना है इनसे। ये पूछो अगर अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत कैसे बनेगा? अखंड भारत में पाकिस्तान भी मिलेगा, अफगानिस्तान भी मिलेगा। इंडिया गेट पे पता चला कि कोई भैया टैंक लेके खड़ा हुआ है वहीं पे, है ना, फिर जाओ इंडिया गेट देखने के लिए। ऐसे बनाओगे? पता चला तालिबान वाले यहाँ लाल किले पे घूम रहे हैं, है? ऐसे बनाओगे अखंड भारत? ये एक बेवकूफी भरी बात है, एक बेवकूफी भरा कथन है, ठीक है ना? है मोदी जी टैंक लेके कैसे घूमेगा भाई? मोदी जी तो बहुत प्रभावशाली आदमी है, समझ रहे? मोदी जी और शेख चिल्ली दोनों एक समान है, ये समझ लीजिए। मोदी जी का तो कुछ नहीं है, मोदी जी तो पहले ही बोल चुके हैं, आप अपना अपना देखो। मोदी जी का तो सीधा ससूल है, मोदी जी को अगर आप कल को गलत ठहराएंगे तो आप गलत है। मोदी जी तो कह चुके हैं मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। मोदी जी ने तो अपने दोस्त को भी तैयार कर लिया है। भगवान हिंद होगा, भगवान हिंद कितना पड़े हो आप, ये मत पूछो कितना पढ़े हैं। क्यों? बहुत ज्यादा पढ़े हैं। क्यों? अरे अच्छा, तो ये बताइए ना, भारत देश के चुप रहिए, भारत देश के संविधान के कौन से पृष्ठ पर भगवान हिंद लिखा है? रामचरितमानस में। धीरेन्द्र शास्त्री को क्या पता है? धीरेन्द्र शास्त्री कितना पढ़ा लिखा है? धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बोला है कि अब हिंदू का बच्चा कलम उठाएगा, हिंदू का बच्चा डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है? अरे तो चमत्कार सुन लीजिए, बाबा ने अब ये नया ढोंग इसलिए अपनाया है क्योंकि बाबा जी की जो है वो पोल खुल रही थी। जब बाबा की पोल और पट्टी खुल रही थी, अब बाबा जी, अब देखिए बाबा जी, तुम सनातन के दुश्मन हो, हैं? वो सनातन को रक्षा कर रहे हैं, तुम उन्हीं के खिलाफ। जयचंद, जयचंद घूम रहे हैं। अच्छा आप आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं जयचंद हूँ? बाबा बोल रहे हैं। कौन क्या? बाबा चमत्कारी। तो बाबा ने मेरा नाम लिया है? हैं? बाबा ने मेरा नाम लिया है? जो विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है वो जयचंद। अब एक बात आप मुझे बताइए, उस बाबा को जाकर बता दीजिएगा कि मोहित शर्मा आपके लिए कह रहे थे। एक बात आप मुझे बताइए, आप तो पत्रकार हैं, ये देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति
हिंदू व्यक्ति अगर संविधान की बात करता है, कोई सनातनी व्यक्ति संविधान की बात करता है, तो क्या वो जयचंद है? बताइए आप मुझे, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की और संविधान की बात करने वाला व्यक्ति जयचंद है? ये बताइए ना आप मुझे, जो सनातनी की बात नहीं कर, अरे धीरेन्द्र शास्त्री से पूछो, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछो कि जब कानपुर के पूर्वांचल के अंदर एक माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया तो कहाँ था वो? मनोज तिवारी से पूछो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी को और माँ को जिंदा जला दिया, कहाँ थे मनोज तिवारी? महेश शर्मा कहाँ थे? भसम कर देंगे, चमत्कारी बाबा है, भसम कर देंगे। अरे तो आप जाके एक काम करिए ना, बीजेपी वाले पत्रकार इसीलिए घबराते हैं कि आपको भसम कर दिया। कितने लोगों को भसम कर दिया, तो पाकिस्तान को भसम ही कर देना है। आपको भसम चटा रखी है उन्होंने, समझ रहे हो, दलाली की भसम चटा रखी है, पेट में भरी पड़ी है। तो कहा अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को मिलाएंगे। अरे यार एक बात आप मुझे बताओ, पाकिस्तान को मिलाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री की आर्मी में है क्या है? अरे चमत्कारी है भाई, एक काम करिए ना, अपने बच्चों को पढ़ाइए मत, स्कूल मत भेजिए, उससे चमत्कारी दिखाते रहिए। आप अपने बेटे को भी चमत्कारी बनाइए ना, बाबा हैं वो चमत्कारी। अरे सुनिए, यहाँ पर कम से कम 15-20 पत्रकार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी का भी बेटा, किसी के भी पिताजी या किसी का बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री का चेला है क्या? वो भी तो चमत्कारी बनना चाहिए। अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाते आप चमत्कारी? और अमित शाह अपने बेटे जैसा को भी चमत्कारी बनवा दे। अपमान कर रहे हैं, सुन लीजिए, अपमान नहीं, मोदी जी ने रोजगार दिया है। मोदी जी ने कहा था नौजवान को रोजगार मिलेगा, अमित शाह का बेटा जैसा नौजवान नहीं था? इतना भैया इतना बढ़िया क्रिकेट खेला। धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान, देश का अपमान। अच्छा हाँ, अब वाह भाई वाह, किसी का भी अपमान कर दो यहाँ देश का अपमान हो जाता है। अडानी से सवाल तो देश से सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल तो देश से सवाल। आपका दिमाग वाग खराब है क्या? घर वापसी की दावत दे रहे हैं वो, घर वापसी की दावत। तो आप तो खुद मुस्लिम है, कर लीजिए घर वापसी। करेंगे, हमारे पूर्वज तो आजम है, आप करेंगे घर वापसी? आपके वो दोस्त ने करी तो थी, ये आप जैसा ही था वो, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। तो वो वसीम रिजवी है या जितेंद्र त्यागी है? जितेंद्र त्यागी है, या गायब कहाँ हो गया? ये इनको पता होगा, इन्हीं की साथी का है वो, इन्हीं का साथी है, ये भी तो घर वापसी करने की कह रहे हैं। ये देश की खूबसूरती है, भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर सबको अपने अपने रिलीजन को मानने की आजादी है, एक धर्म निरपेक्षता की यहाँ पर आजादी है। एक भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसको इसीलिए पूजा जाता है, इस देश की संस्कृति को, कल्चर को इसीलिए माना जाता है, पूजा जाता है कि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आप उस संस्कृति के ऊपर, उस देश की वेशभूषा के ऊपर, उस देश के कल्चर के ऊपर, उस देश की अस्मिता के ऊपर जब आप प्रहार करेंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये देश संविधान से चलता है? अगर किसी व्यक्ति को दर्द और तकलीफ होती है, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, तो वो न्यायपालिका में जाता है? जाता ही नहीं जाता है। देश की न्यायपालिका के द्वारा, देश की जुडिशरी के द्वारा उसको इंसाफ दिया जाता है। लेकिन आप जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो आप बात करते हैं, आप ये बताइए, रामायण के अंदर, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन, रामचरितमानस के अंदर जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, क्या उसके अंदर एक भी कहीं जगह पर हिंदू शब्द लिखा है? बताइए, चलिए तो सनातनी बोलते हैं ना। अरे आप बताइए ना, लिखा है क्या? अरे नहीं लिखा, लेकिन योगी जी कह रहे हैं। तुमने पढ़ी है? एक मिनट, तुमने पढ़ी है? एक मिनट, पढ़ी है तुमने? तुमने एक पढ़ी है? तुमने नहीं पढ़ी है? तो फिर कैसे पता तुम्हें लिखे नहीं लिखी है? क्वेश्चन कह रहा हूं, मैंने क्या पूछा? मैं आपसे, आप बीच में देखिए, जब ना पता हो ना तो बिना बात की चोंच मत पूछिए। मैंने इनसे कौन सा अपमान कर दिया? इनके पास नॉलेज नहीं है। मैंने कह दिया जब आपको नहीं पता तो आप मत बोलिए, और भी तो पत्रकार हैं। अरे अपमान हो गया, बुलडोजर इंसाफ है कि नहीं है जी? बुलडोजर चलाना, देखिए मैं कहता हूँ, अगर बुलडोजर इंसाफ है आपकी नजर में तो आप चलाइए। वो जो क्या कहते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी के नेता का बेटा था, उसके घर पर कुलदीप सिंह सेंगर के मकान पर चला दीजिए बुलडोजर। एक पिता के लिए उसकी सबसे बड़ी इज्जत तो उसकी बेटी की होती है ना, सबसे बड़ी इज्जत तो उसकी बेटी की होती है। तो भाई साहब, जब एक बेटी के साथ इस देश में बलात्कार होता है, तो भाई आप ये सोचिए, बलात्कारियों के घर पर चलाइए बुलडोजर। राम रहीम का सारा ध्वस्त कर दीजिए, आसाराम का सारा ध्वस्त कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये किसी के भी सगे नहीं है। भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है, सुन लीजिए, बाद में आपस में डिस्कशन कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको बहुत दर्द तकलीफ हो रही है इस महानुभव को जिनको आप लेके आए, इतने सारे पत्रकार हैं, लेकिन किसी को दर्द तकलीफ नहीं है। ये सोच रहा है मैं रात की रोटी कैसे हजम करूंगा। मुझे पता है नरेंद्र मोदी आपका आका है, ठीक है ना, और कुछ पत्रकारों के आका भी भारत सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर घूमते हैं।
योगी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र है, अब उनको नहीं मानेंगे। हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना योगी जी, हिंदू राष्ट्र। अरे योगी जी तो पता है कितने बड़े ठेकेदार हैं हिंदुओं के। योगी जी की तो बात ही मत करिए, मुझे पता है योगी जी कितने बड़े ठेकेदार हिंदुओं के। सुन लीजिए, इतने बड़े ठेकेदार हैं हिंदुओं के कि लूलू मॉल में उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए यूसुफ भाई के लूलू मॉल में, और गाड़ी में बैठने के चक्कर में भगवा गमछा भी डालना भूल गए। इतने बड़े ठेकेदार हैं हिंदुओं के। आप ये सोचिए, माँ और बेटी जल के राख हो गई, ठेकेदार पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना। वहां पर हाथरस के अंदर एक बेटी को जला दिया गया, ठेकेदार पहुंचा ही नहीं। दिल्ली के अंदर एक बेटी को आठ किलोमीटर तक नए साल के जश्न के दौरान उस बेटी को खसीटा गया। वो मुसलमान की बेटी नहीं, हिंदू की बेटी थी। ठेकेदार पहुंचा ही नहीं वहां पर। जब ठेकेदार ही नहीं पहुंच रहा तो मजदूरी कहां से पहुंचेंगे। ठेकेदार तो यही है, मजदूर मनोज तिवारी हो गया, महेश शर्मा जैसे लोग हो गए, लेकिन पहुंचते नहीं है ये लोग। आज भी अगर कोई बीजेपी के साथ खड़ा है तो समझ लीजिए अपने जमीर को, अपने स्वाभिमान को बेच चुका है। ठेकेदारों को पता नहीं कि देश संविधान से चलेगा। देखिए इनको पता कब चलता है, अब आप एक बात मुझे बताइए, इनको पता कहां से चलेगा। पता जब चलता है जब स्कूल जाते हैं, जब भैया स्कूल ही नहीं जाते। अब मोदी जी हमारे, मोदी जी हमारे कितने, आपको पता है कितने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके साथ का आज तक कोई नहीं मिला है कि कोई उनके साथ। आप जैसे सुन लीजिए, सारे आप सुन लीजिए, गुटखा थूक कर सुन लीजिए, गुटखा थूक कर सुन लीजिए, सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात, आपको सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए जवाब नहीं, मेरी बात सुनिए। मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी हमारे इतने पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हैं बेचारे कि उनके साथ का आज तक कोई नहीं मिला, क्योंकि वो इतने पढ़ाई में होशियार और तेज थे कि टीचर उनसे कहता था बेटा नरेंद्र तू यहाँ नहीं पढ़ेगा, तेरी क्लास तो अलग से होगी, तू तो मुझे ही पढ़ा देगा, तू उधर चल। इसलिए मोदी जी के साथ का कोई नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप ये देखिए, पहली बार देश के इतिहास में ये बताया गया। आपसे मैं पूछता हूँ, इतने सारे पत्रकार हैं, आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी का सीना कितने इंच का था? नहीं पता होगा आपको। वाजपेयी जी का सीना कितने इंच का था? आपको नहीं पता होगा। पहली बार देश के इतिहास में ये पता चला कि किसी प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, जो चाइना का नाम भी नहीं लेता, इतना 56 इंच का है। चाइना का नाम नहीं लेता और अडानी का भी नहीं लेता है, ठीक है ना। छापा मार पाकिस्तान डर जाते हैं, बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री की दाढ़ी से पाकिस्तान डर जाते हैं। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, उनकी दाढ़ी से अगर पाकिस्तान डर जाता है तो एक काम करिए ना, मोदी जी की दाढ़ी कटवा के पाकिस्तान बॉर्डर पर टंगवा दीजिए, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कम से कम देश के जवान शहीद नहीं होंगे, नहीं नहीं, कम से कम देश के जवान शहीद नहीं होंगे। हमारे घर से जो लोग इंडियन आर्मी में हैं उनको वापस घर बुला लेते हैं सब लोग। मोदी जी की दाढ़ी टंगवा दो, दाढ़ी टंगवा दो, दो चार फोटो खिंचवा के मोदी जी की दाढ़ी टंगवा दो, सबसे बढ़िया। चाइना पे भी टंगवा दो आधी दाढ़ी, आधी पाकिस्तान पे टंगवा दो।